हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको प्रियो फ्रिज का जो पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट स्विच, इस स्विच के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये स्विच कैसे कार्य करता है इसके बारे में बताऊंगा, और ये कैसे ख़राब होता है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इस पर कृपा करके ध्यान देंगे कि इसको कैसे चेक किया जाता है और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जानना चाहते हैं कि ये जो थर्मोस्टेट है वो सिंगल डोर का है। सिंगल डोर का ये स्विच है, थर्मोस्टेट स्विच बोला जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे, उसका कार्य पहले मैं बताना चाहता हूँ। ये जो तार दिख रही है, तार नहीं है, एक ट्यूब है। इस ट्यूब में जो गैस डला रहता है, जो इस गैस का नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाला हुआ होता है। इसका कार्य यह है, जो जो आइस बॉक्स होता है जिसको फ्रीजर बोलते हैं, वो फ्रीजर के नीचे में ये क्या है, ये पूरा रोल है, इसको ऐसा खोल के, ये क्या है, ऐसा खोल के ये लगा रहता है फ्रीजर कॉइल के नीचे में लगा रहता है। जब इसके अंदर जो गैस है, SO2 गैस है, वो जब अत्यधिक ठंडा होता है, अत्यधिक ठंडा होने के बाद यहाँ से वो प्रेसलाइट करता है, और यहाँ पर बेलोज डायफ्राम का एक कॉइल बना रहता है। एक कॉइल है, वो स्प्रिंग टाइप का रहता है, तो जिसमें प्रेशर डालेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। यह सिकुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें देखिए दो पॉइंट है, तो एक में सप्लाई जाएगा यहाँ से और यहाँ से सप्लाई निकलेगा। ये स्विच है, जिस प्रकार ऑन ऑफ स्विच होते हैं घर के मैनुअली, उसी प्रकार से ये भी फ्रिज का ये स्विच है। ये स्विच यहीं से कंप्रेसर को ऑन ऑफ का सप्लाई देता है। इसमें फेस दीजिए और इसमें फेस निकलेगा, किसी में भी आप कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे हम गए और चेक किए तो दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी आना चाहिए। कंटिन्यूटी क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, या तो अपन सीरीज बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड से चेक करने के लिए हमारे पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए, और इस सीरीज बोर्ड हमारे पास, इस बोर्ड में आप ऐसा एक पॉइंट पर लगाइए और दूसरा पॉइंट है ये हमारा, ऐसा लगाएंगे तो सीरीज बोर्ड हो जाएगा। तो जब इसको ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। इससे हमको पता चला कि अभी ये थर्मोस्टेट से आउटपुट निकाल रहा है, तो मतलब कंप्रेसर को सप्लाई जा रहा है। पर अब ख़राब कैसे होता है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसको क्या है, हम ऐसे टेम्परेचर घुमाएँ, ठीक है, और ये कम के तो अपने टेम्परेचर में आएगा और ये बंद होना चाहिए, ठीक है। ऑन ऑफ भी यहीं से होता है, और ये देखिए अब चालू हुआ, ये ग्लो हुआ और ये बंद हुआ। तो पहला प्रक्रिया इसको चेक करने का थर्मोस्टेट, ठीक। अब मैकेनिकल, जो इंटरनल मैकेनिकल है जो ख़राब होता है, उसका क्या कारण है ये मैं बताना चाहता हूँ। अब ये कैसे, दो प्रकार से ख़राब होता है। सबसे पहला होता है कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं NC पोजीशन। NC पोजीशन में जब ये ख़राब हो जाएगा तो कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों, और कंटिन्यू कंप्रेसर चलने से क्या होगा, कंप्रेसर जब कंटिन्यू चलेगा तो फिर कंटिन्यू चलते तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान ज़्यादा मतलब ठंडा होता जाएगा, सॉरी, और ठंडा होगा तो फिर कोई भी वेजिटेबल चीज़ें हैं वो सब खराब होनी चालू हो जाएगी। तो इसको इसलिए लगाया जाता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, और ये टेम्परेचर बराबर मेंटेन नहीं करेगा और सब्जी दूध जो भी चीज़ें खराब होनी चाहिए होनी चालू हो जाएगी। तो इससे हमको ये फाइनल हो गया कि ये हमारा थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है, तो अपन इस पोजिशन में थर्मोस्टेट को चेंज करते हैं। दूसरा तरीका होता है NC का, बताया अब NO में होता है, NO मतलब नेचुरल ओपन, NC मतलब नेचुरल क्लोज। अब NO पोजीशन में जैसे हुआ, NO पोजीशन में अब जैसे ये हुआ तो नेचुरल ओपन हो गया, तो ये कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देगा, और कंप्रेसर बंद हो जाएगा मतलब कंप्रेसर चालू नहीं होगा तो कोई चीज़ ठंडा नहीं होगा। तो उस पोजीशन में हम जाके इसको चेक करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट एक पॉइंट में सप्लाई आएगा, दूसरे से आउट निकलना चाहिए, जिस प्रकार मैंने अभी सिखाया। अभी क्या, ये सप्लाई नहीं जा रहा है, इधर से सप्लाई आ रहा है, इधर नहीं जा रहा, तो इसके कारण से क्या होगा कि हमारा ये फिर भी ख़राब है। तो इस पोजीशन में भी हमको चेंज करना पड़ेगा और इस थर्मोस्टेट को चेंज कर देंगे। और दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ये जो प्रेस बटन है, ठीक है, पुश बटन, डिफ्रॉस्ट है, पुश बटन, इस पुश बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद ये पुनः जब इसको करेंगे तो ये वापस होना चाहिए, और ये वापस तुरंत वापस हो जाएगा ये। तो अभी हमने इसको पुश किया तो ये पुश हो गया, और उसके बाद ये बटन वापस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा होता है कि थर्मोस्टेट चेक इस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इसको
दो पोजीशन में चेक करते हैं, दोनों पॉइंट को अपन ऐसे चेक करेंगे, ये अपन की ये पोजीशन बंद है, इस कारण से इसने पुश हो गया। अब इसको हम चालू करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसको मैं बंद करके इसको अगर पुश करता हूँ तो ये अंदर क्लोज सेल हो जाएगा बटन, तो ये डिफरेंस पोजीशन में। पर ये भी अपने को चेक करना है कि ये बंद थोड़ी ना, इसको अपन चालू कर देखिए वापस हो जाएगा। और इस पोजीशन में ऑन ऑफ ऑन पोजीशन में ये इसको दबाएंगे अभी तो ये वापस हो जाएगा, देखिए वापस हो जा रहा है। इसलिए वापस हो रहा है क्योंकि इस पर जो अत्यधिक ठंडा तो नहीं मिल रहा है, और जब अत्यधिक ठंडा होने के बाद इसको जब प्रेस करेंगे तो ये पुश हो जाएगा। तो बेलो डायफ्राम है जो, वो एक कॉइल रहती है, वो कॉइल ऐसी रहती है, वो बंद चालू इसके प्रेशर जब SO2 गैस आने से प्रेशर बनाएगा, जब ज़्यादा ठंडा होगा ठंडा होने के बाद अत्यधिक ठंडा होने के बाद तो बंद चालू करता रहेगा। तो उस प्रोग्राम सिचुएशन भी ऐसा होता है कि अब जब ये क्या कहते हैं नया, उसके बाद भी सब चीज़ ठीक है, उसके बाद भी ऐसे नॉर्मली ये प्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए वापस हो रहा है, वापस हो रहा है तो इसका मतलब ये सही है। और अगर ऐसा बंद हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका फेलियर है। तो दोस्तों मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, इसमें थोड़ी सी भी कोई भी मिस्टेक होगा तो आप मुझे और इससे अच्छा बना सकता हूँ मैं, पर अकेला होने के कारण थोड़ा सा तकलीफ जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा, मैंने आपको दो प्रकार से बताया, इस प्रकार से चेक करेंगे तो ये आपको 100% डायग्नोस हो जाएगा कि हमारा थर्मोस्टेट खराब है कि अदरवाइज इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है तब होता है। तो इस प्रकार से हमारा इस थर्मोस्टेट चेक किया जाता है। आगे का वीडियो में अब रिले के बारे में रिलेटेड, कंप्रेसर के रिलेटेड के बारे में मैं बताऊँगा। धन्यवाद।